हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे गौरी राखी बांध रही है गोलू को। सबसे पहले आरती करेंगी, उसके बाद राखी बांधेंगी, उसके बाद टीका करेंगी और उसके बाद मिठाई खिलाएंगी। तो गौरी आठ भाइयों में इकलौती बहन है, जो हमारे जेठ देवर हैं उन सब में से सिर्फ और सिर्फ गौरी सभी भाइयों की बहन है। तो और भाइयों की फ़ोटो यहाँ पे लगा दी है और लोगों की फ़ोटो नहीं थी, जैसे आदित्य वगैरह जो मतलब इनके भाई हैं उनकी फ़ोटो नहीं थी मेरे पास, तो नहीं लगाया। बाकी तीन लोगों की फ़ोटो थी तो हमने लगा दी है, आप लोग देख लीजिएगा। ये हैं इनके भाई लोग, और भी जो भाई हैं इनको गांव में, उनको राखी गौरी ने भेज दिया था। राखी त्यौहार से पहले ही पहुंच चुकी थी, रक्षाबंधन के पहले ही सबको राखी मिल गई थी टाइम से। और गौरी हर साल राखी भेजती है अपने भाइयों को स्पीड पोस्ट से राखी भेजती है, टाइम से पहुँच भी जाता है। और गौरी काफ़ी ज़्यादा खुश और एक्साइटेड है, नया ड्रेस भी मिला है, गिफ्ट भी मिला है। तो त्यौहार होता है तो बच्चे सबसे पहले एक्साइटेड होते हैं त्यौहार के दिन, और बच्चे तो बच्चे होते ही हैं क्योंकि त्यौहार बच्चों से ही होता है, चाहे जो भी त्यौहार है, होली, दीपावली, रक्षाबंधन। तो आज कुछ खास दिन था गौरी के लिए क्योंकि रक्षाबंधन भाई और बहन के लिए है। तो सबसे पहले यहाँ पे गौरी ने गिफ्ट पीछे छुपा के रखा है ताकि गोलू न ले, और आप लोगों के साथ शेयर भी कर रही हूँ उसको क्या गिफ्ट मिला। तो अभी तो गौरी को यही गिफ्ट मिला है, आगे क्या कुछ मिलेगा वो आप लोगों के साथ जरूर शेयर करेंगे। अगर गौरी को और कुछ भी गिफ्ट मिलता है तो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो गौरी काफ़ी ज़्यादा खुश है, राखी खुद भी बंधवाई है। और राखी में ये देखिए ढेर सारी राखी आई थी, हमारी ननद की राखी भी आई थी, मतलब गौरी के पापा की राखी आई थी, उनकी बुआ ने भेजा था रायबरेली से। सबकी राखी यहाँ पे रखी हुई है, सब लोग अपनी अपनी राखी बांधेंगे। और यहाँ पे गौरी का गिफ्ट रखा है, मिठाई में सोन पापड़ी मिठाई आई थी और कुछ भी नहीं आया था। तो यहाँ पे हम आप लोगों को दिखा रहे हैं, आज हमने ये वाली साड़ी पहनी है, काफ़ी पुरानी साड़ी है, ये हल्की वाली साड़ी है, सिफॉन की साड़ी है, इसको गर्मी में आप अच्छे से पहन सकते हैं। और इसकी कढ़ाई जो है बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है, इसका जो वर्क है बहुत ज़्यादा सुंदर था। तो आज हमने ये वाली पीले कलर की साड़ी है, पीले नहीं है, कुछ ऑरेंज कलर की है लगभग, मुझे नहीं पता क्या कलर है लेकिन हल्की पीली लग रही थी। तो हमने सबने नहा धो लिया था, सब टाइम से सब काम हो गया था, इसके बाद हम तुरंत किचन में आ गए थे छोला बनाने के लिए। तो सबसे पहले कढ़ाई चढ़ा दी, उसमें कुछ सूखे मसाले ऐड कर दिए हैं, जीरा जैसे इलायची और बड़ी इलायची। उसके बाद यहाँ पे हमने प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च सब कुछ कट करके रखा था, तुरंत उसको ऐड कर दिया है। खाना जल्दी जल्दी ही बनाना है क्योंकि सबका खाने का टाइम है। इसमें नमक ऐड कर देंगे, नमक ऐड करने से प्याज जल्दी से गल जाएगी, और इसको ढक के पकने के लिए छोड़ देते हैं। बीच बीच में इसको चेक भी करते रहना है कि प्याज हमारी गली है कि नहीं, प्याज अच्छे से गल चुकी है, इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे कट करके टमाटर हमने रखा था उसको भी ऐड कर दिया है, टमाटर को अच्छे से मिक्स कर देंगे। उसके बाद जो भी मिर्च मसाले होंगे इसमें ऐड कर देंगे, धनिया हल्दी मिर्च और जो सब्जी मसाले होते हैं। और इसमें हम दो बड़े चम्मच चना मसाला भी ऐड कर देंगे क्योंकि ये छोला बना रहे हैं, तो सेम मसाले वही रहेंगे जो हम डेली यूज करते हैं, लेकिन थोड़ा सा चना मसाला इसमें डाल देंगे। इसको ढक के तब तक पकाएंगे जब तक हमारा मसाले से तेल अलग नहीं हो जाता है। तो इसको ढक देते हैं, पकने के लिए छोड़ देते हैं, बीच में हम चेक करते रहेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा मसाला अच्छे से गल चुका है, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे मसाले को। इसमें जो हमने बॉइल्ड चना और आलू रखा था उसको ऐड कर देंगे, चने को और आलू को हल्के से मैश कर देंगे ताकि हमारी ग्रेवी थोड़ी सी गाढ़ी बन जाए। तो यहाँ पे चने में मसाला हमने अच्छे से भून लिया है, अब इसमें पानी ऐड कर देंगे। तो जितना पानी ऐड करना है उसकी आवश्यकता अनुसार यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो ज़्यादा पतला नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा गाढ़ा ही बनाएंगे क्योंकि पूड़ियों के साथ इसको खाना है तो ज़्यादा पतला अच्छा नहीं लगेगा। और ग्रेवी भी थोड़ा सा रखेंगे चावल के साथ खाने के लिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है, ना ज़्यादा पतला रहेगा ना ज़्यादा गाढ़ा रहेगा, मीडियम में रहेगा। तो इसमें पानी ऐड कर दिया है, इसमें नमक भी ऐड कर देंगे, नमक हमने पहले भी डाल रखा था जब हम प्याज भून रहे थे, तो यहाँ पे थोड़ा सा कम ही नमक ऐड करेंगे जितना ज़रूरत होगी। इसको ढक के पकने के लिए छोड़ देते हैं, तो इसको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। ये देखिए हमारा फाइनल लुक छोले का, छोला पक के रेडी हो चुका है। इसमें धनिया की पत्ती नहीं डाले क्योंकि धनिया की पत्ती थी नहीं हमारे पास, और कसूरी मेथी बच्चों को पसंद नहीं थी तो इसलिए दोनों ही नहीं डाला। तो छोला हमारा पक के रेडी हो चुका है एकदम से खाने के लिए, और कलर भी बहुत ज़्यादा टिम टिम लग रहा है, देख सकते हैं। और जो एक एक आलू खड़े दिख रहे हैं इनको फोड़ देते हैं। तो
तो गैस को हम बंद कर देते हैं, इसको ढक के एक तरफ रख देते हैं। तो छोला बन के रेडी हो चुका है, चावल भी बन चुकी है, खीर भी बन चुकी है। अब बनानी है पूरियां। तो पूरियां बनाने के लिए सबसे पहले आटा लगाना होता है। आटा लगाने के लिए यहाँ पे हमने थाली में आटा ले लिया है। बिल्कुल सिंपल सी पूरियां बनाएंगे, सादी पूरी, मतलब आज मीठी पूरी नहीं बनाएंगे। मीठी वाली पूरी कद्दू के साथ अच्छी लगती है, छोले के साथ तो सिंपल सी सादी वाली पूरी अच्छी लगती है। तो आटा गूंथने के बाद हम पूड़ियों को बेल भी लेंगे साथ ही साथ। तो पूड़ियां बेल के हमने रख ली थी ढेर सारी, मतलब जितनी ज़रूरत थी उतनी रख ली थी। और उसके बाद हमने यहाँ पे तेल कढ़ाई में चढ़ा दिया था पूड़ियों को फ्राई करने के लिए, क्योंकि हमारे घर में और कोई नहीं है तो बेलना भी मुझे पड़ता है और सेकना भी मुझे पड़ता है। तो साथ ही साथ तो पहले पूड़ियों को बेल के रख लेते हैं, उसके बाद कढ़ाई में हम पूड़ियों को फ्राई करते हैं। तो यहाँ पे हमारी सारी पूड़ियाँ बन चुकी हैं और रेडी हो चुका है। सबसे पहले हम बच्चों को खाना दे देंगे। बच्चे खाना खा लेते हैं तो घर में थोड़ी सी शांति आ जाती है, क्योंकि बच्चे ज़्यादा उछल कूद करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतिमा ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं बधाई। आज है सोमवार और तारीख क्या है, 3 तारीख है। तो आज है दिन सोमवार और तारीख नहीं पता था, तो आज तारीख 3 है और रक्षाबंधन है आज, ये पता है। तो बाकी तारीख जो भी हो, लेकिन आज मंडे है, आज रक्षाबंधन है। तो आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं रक्षाबंधन की। तो अभी आप लोगों से बात कर रहे हैं क्योंकि नहाने के बाद तुरंत फटाफट राखी बांधने का कार्यक्रम हुआ गौरी और गोलू का, और इनका भी, मतलब दीदी का राखी रायबरेली से आया था, हमारी ननद की राखी जो है रायबरेली से आई थी इनके लिए। तो सब लोगों ने राखी बांध लिया है, खाना पूरा कंप्लीट बन गया। खाने में पूरी, छोला, खीर, चावल बनाया था, मतलब पूरी सब्जी, खीर, मीठा चावल और सादा चावल और छोला और पूरी, उसके साथ दही भी। तो ये था आज के खाने में। और गौरी यहाँ पे खा रही है, गोलू भी खा रहे हैं अभी, हम और ये बचे हैं खाने के लिए। तो हमने सोचा थोड़ा सा आप सबसे गुप्तगू कर लेते हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर बात तो होती रहेंगी और वीडियो भी चलता रहेगा। तो सबसे पहले इन लोगों को चावल दे देते हैं और अपने लिए भी और इनके लिए भी खाना निकाल लेते हैं। बहुत ज्यादा गर्मी हो रखी है तो आज हमने बाल सब जुड़ा उड़ा बना के एकदम फिटफट से तब किचन में आए थे, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा थी। आज हमने ये वाली साड़ी पहनी है और ये वाली बहुत अच्छी साड़ी हमको लगती है, लेकिन काफी ज्यादा पुरानी हो चुकी है। तो तब भी फिर भी हमने अपनी अलमारी में रखी हुई है इसको, क्योंकि हमें पसंद है। इसलिए जो चीज पसंद हो तो उसको रखे रहना चाहिए, चाहे कितनी भी पुरानी हो जाए। तो आप लोगों से मिलते हैं खाना खाने के बाद। तो आज हमने खाने में बनाया था छोला, चावल, दही था, खीर थी, आप लोगों के साथ शेयर किया है। यहाँ पे हमने थाली लगा दी है, ये वाली थाली हमने इनके लिए लगाई है। सबसे पहले ये खाना खा लेंगे, उसके बाद हम खाएंगे। तो छोला बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बना था, तीखा और चटपटा बना था। और खीर में हमने आज कुछ मेवे नहीं ऐड किए थे, क्योंकि सुबह सुबह जल्दी में बनाई थी तो इसलिए मेवे ऐड नहीं किए, जानबूझकर नहीं ऐड किया था। तो आज का खाना ये था, आप लोग भी थोड़ा सा खा लीजिए, तो उसके बाद हम खाना खाएंगे, उसके बाद आप लोगों से मिलेंगे थोड़ी देर बाद। कर हम किचन में बर्तन धुल रहे हैं, हम किचन में बर्तन घिस रहे हैं। 12 बजे से ये लोग खाना खा के उठे हैं तब से, और बर्तन घिसते घिसते 1:15 हो चुके हैं। अच्छा, खाना बनाना, खाना अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद जो ढेर सारा रायता फैल जाता है वो सबको समेटना काफी ज्यादा टाइम लगता है समेटने में। और हम किचन में बर्तन धुल रहे थे, ये सब लोग मोबाइल देख रहे थे, मतलब हम बर्तन घिसे, ये लोग मजे से मोबाइल देखे, तीनों लोग मोबाइल देख रहे थे। तो अभी बर्तन घिसते घिसते 1:30 बज चुके हैं, ढेर सारे बर्तन हो चुके थे। छोले की अलग कढ़ाई जिसमें हमने पूड़ी बनाई थी वो अलग कढ़ाई, तो हमने दोनों कढ़ाई को इसी टाइम पे धुल दिया, गैस भी क्लीन कर दिया, सब कुछ साफ सफाई, क्योंकि जब पूड़ी बनती है तो काफी ज्यादा तेल सा हो जाता है, तो सब कुछ साफ कर दिया है। आज का काम खत्म होता है 1:15 पर, और काफी ज्यादा टाइम हो चुका है, सबने खाना खा लिया, बच्चे बड़े ये। और इस वीडियो के सभी पात्र आज घर पे ही हैं, कोई सबकी छुट्टी है, बच्चों की छुट्टी रहती है, इनकी भी छुट्टी है, तो सब लोग घर ही पे हैं। हम भी खाना खा के आराम से आके बैठ चुके हैं कुर्सी पे, हवा ले रहे हैं फैन की। तो आज की वीडियो यहीं पे एंड करेंगे, ज्यादा खींचातानी नहीं करेंगे, नहीं तो वीडियो हो जाएगी लंबी। शाम के टाइम पे अचार बनाना है, जो हमने वो क्या कहते हैं अमला होता है उसको काट के फैला रखा है। धूप काफी तेज हो रखी है, गर्मी भी बहुत ज्यादा हो रही है। तो आज की वीडियो का यहीं पे एंड करेंगे। अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा,
मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी रक्षाबंधन।